नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में विकास प्राधिकरण का बुलडोजर आज भी चलता रहा, जिसमें अवैध रूप से निर्माण किए हुए श्रीमती इंद्रकली देवी एवं रिजवान खान के मकानों के ऊपर गर्जा और देखते ही देखते दोनों मकान ध्वस्त कर दिए गए। विकास प्राधिकरण के सचिव वैजनाथ ने बताया कि विकास प्राधिकरण द्वारा दोनों व्यक्तियों को अनाधिकृत मकान का रोकने की नोटिस जारी की गई थी। इसके बावजूद भी ये लोग मकान निर्माण करना नहीं रोका। यह दोनों निर्माण कार्य ग्रीन बेल्ट में है, जो भू उपयोग वाकिरण में आता है। कहा कि निर्माण निषिद्ध है। यह कार्रवाई थाना कोतवाल और मजिस्ट्रेट के सहयोग से की गई है। विकास प्राधिकरण सचिव ने सभी लोगों को सूचित किया है कि वनीकरण, पार्क, क्रीड़ा, कृषि एवं निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और न ही उक्त क्षेत्र में भवन भूखंड करें, अन्यथा इस प्रकार के अवैध निर्माणों को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। होने वाली किसी भी क्षति असुविधा के लिए निर्माणकर्ता उत्तरदायी होंगे। उन्होंने कहा कि उक्त हेतु आजमगढ़ विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। सभी बैंकर्स को भी उन्होंने सूचित किया कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से भवन भूखंड के मानचित्र स्वीकृत होने पर ही ऋण प्रदान करें। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण के सचिव ने जब से यहाँ का कार्यभार संभाला है, तब से ऐसे लोगों पर उनकी कार्रवाई लगातार जारी है। और बताते चलें कि यह कार्रवाई शहर कोतवाली के कोडर अजमतपुर करताल बाईपास में की गई, जहां विकास प्राधिकरण का बोर्ड जल कर और दो मकान को ध्वस्त कर दिया गया।